अलीगढ़ के थाना हरदोगन क्षेत्र के अंतर्गत काजगंज रोड पर उस वक्त एक भीषण हादसा हो गया जब अनियंत्रण होकर एक बस गहरे गड्ढे में जा घुसी। बताया जा रहा है इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है और बाकी यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें सुबह 10 बजे ये बस 9 से 10 बजे ये बस अलीगढ़ के छर्रा अड्डे से काजगंज के लिए जा रही थी, तभी सेका झील के निकट ये अनियंत्रण होकर बस एक गहरे गड्ढे में जा घुसी। मैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, इस पेड़ से टकराने के बाद ये बस सीधे इस गहरे गड्ढे में जा घुसी, जिसकी वजह से ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है बस, जिसके कारण इस बस में जो बैठे यात्रियों में काफ़ी हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोग जिनकी जान चली गई है, बाकी सभी यात्री जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार के लिए अलीगढ़ के जिला अस्पताल में ले जाया गया है। बात करने के लिए मेरे साथ और यहाँ के ग्रामीण हैं जो कि इन्होंने देखा कि किस तरीके से ये अनियंत्रण होके ये बस गड्ढे में जा घुसी, और इन लोगों ने ग्रामीणों ने काफ़ी मदद करी इनको निकालने में। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अच्छा, क्या पता लगा आपको, क्या देखा? मुझे क्या सुना? वो ऊपर से फोन आया था कि यहाँ पे भोजपुर पे एक बस पलट गई है, जिसमें कि कई लोग 10-15 लोग चुटैल हो चुके हैं और एक लड़की एक आदमी मृत्यु हो चुका है और उसको अस्पताल मोरचरी में दाखिल किया जी। तो अच्छा ये बताइए, ये कितने बजे घटना है, कहाँ से आ रही थी बस? ये अलीगढ़ कासगंज छर्रा अलीगढ़ से कासगंज के लिए जा रही थी, कासगंज अड्डे से अलीगढ़ से ये कासगंज नंबर लेके जा रही थी। अच्छा। बस में सवारियां काफ़ी थी और ये तो इसमें एक बाइक सवार भी, इसमें बाइक सवार ट्रैक्टर बचाने के चक्कर में और बस ने सामने से कोई ये बाइक आ रही थी उसी से एक्सीडेंट हुआ। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, आप कहाँ रहते हो? भोजपुर, यही गांव है मेरा। ये बताइए कि ये किस तरीके से कहाँ से बस आ रही थी और कहाँ एक्सीडेंट हुआ? ये बस अपने धनीपुर वाले अड्डे बस स्टैंड से जा होकर के मतलब कासगंज की तरफ जा रही थी जी। और जो घायल व्यक्ति थे दोनों, मतलब वाइफ और हस्बैंड, उनके साथ में एक बच्चा था, वो इधर से आ रहे थे कासगंज की तरफ से। तो एक्सीडेंट, वो इधर से आ रहे थे, बस इधर से आ रही थी जी। तो वो बाइक वालों ने अपनी पल्ली साइड में निकाला, तो जैसे ही कोई वाहन आया उधर से तो इधर की तरफ उनका हाथ बहका या कुछ भी, तो वो बस इनके बस में टकराई और उन इस बस का पहिया भी उनके ऊपर चढ़ गया है। बस का पहिया चढ़ गया? हाँ जी। और उनका ये सारा जो आदमी थे उनका सारा शरीर घायल हो चुका था, बच्चा भी एक्सपायरसाई हो चुका था और जो उनकी बीवी हैं वो भी अभी घायल ही हैं। घायल हैं? हाँ। उनको ऑटो में रोक के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, एम्बुलेंस आई नहीं थी जब तक। और क्या कहते हैं, वो फ़ोन था उनकी जेब में, उनके फ़ोन से हमारे गांव वालों ने उनके परिवार वालों को भी फ़ोन किया, उनके परिवार वालों को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो शायद वो आ चुके होंगे या नहीं आए होंगे ये तो मुझे पता नहीं है, बस इतना ही। प्रशासन की तरफ से आपको किस तरीके की मदद दिखी? मदद तो सर 1 घंटे में, इतनी देर में फ़ोन किया गया, प्रशासन लेट ही पहुँचा 1 घंटे एक्सीडेंट होने के बाद में, एक बहुत लेट पहुंचा, जब तक उनको जो घायल थे पहुंचा चुके थे, जो लेडीज़ घायल थी हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, लेकिन एम्बुलेंस को और पुलिस वालों को फ़ोन किया, बहुत 1 घंटे में आए थे वो लोग, यहीं से थे। मेरे साथ यहाँ के ग्रामीण भी और मौजूद हैं बताने के लिए, जिन्होंने पूरा दृश्य देखा था किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में दुर्घटना के बाद में इन लोगों ने किस तरीके से प्रशासन के ना आने तक किस तरीके से इन्होंने मदद करी, किस तरीके से इन्होंने घायलों को बारी बारी से निकाला था। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन, क्या देखा था, क्या हुआ था? देखा था गाड़ी आ रही थी 50-40 की स्पीड पर होती थी जी, वहाँ से इन्होंने मोटरसाइकिल वाले भैया को बचाने की कोशिश करी थी, बच नहीं पाए, पर वो साइड पीछे की साइड लगी थी गाड़ी की, इतना तो देखा था पीछे का ऐसा लग गया था, गाड़ी वाला अंदर ही लिपटा चला गया बेचारा। अच्छा। हाँ, अंदर ही आ गया गाड़ी में, ये ना बाहर फेंका हो। हाँ। अंदर ही खींच लिया वो अंदर ही। हाँ, उसकी बीवी जो थी साथ वो बाहर गिरी थी कच्चे के साथ, उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ गई। तो बाइक वाला मतलब बाइक वाले की जान चली गई, मतलब जिंदा है? बाइक वाले की जान चली गई और उसकी एक लड़की थी 2 महीने की, वो उसको भी जान चली। अच्छा, उसकी जान चली गई। पत्नी को कहाँ भेजा गया? पत्नी को हॉस्पिटल में ले जाया गया। अच्छा, ये बताइए आपने किस तरीके से उन घायलों को निकाला था बस से? अब यहाँ से ऊपर से लोग चढ़े थे, शीशा फीसा तोड़े थे। कितने लोग थे आप लोग सहायता के लिए? ऐसे कोई हते हम 6-7 लड़के थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, किस तरह की मदद निकाले थे? वहाँ से खिड़की तोड़ी थी, वहाँ से निकाला, फिर शीशा भी तोड़े थे, वहाँ से भी निकाला। अच्छा। सारे बंदे अंदर बंद थे, वो हाय हाय मचा रहे थे, बचाओ बचाओ,
सब एक के ऊपर एक पड़ा हुआ था। पूरे ग्रामीणों ने मिलकर इस जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जितने घायल थे सभी को बारी बारी से कांच तोड़कर शीशा तोड़कर उनको बारी बारी से निकाला और घायलों को जिला अस्पताल के लिए भेजा गया। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।